हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम एसिड बेस और सॉल्ट में कुछ और न्यू टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में कुछ न्यू टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम चैप्टर नंबर 2 में फर्दर कुछ न्यू टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था हमने? लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो जब भी आपका एसिड मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, जब भी आपका एक एसिड मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये CO2 गैस प्लस वाटर प्लस और क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। नाउ, फिर हमने ये सीखा था कि जब CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है? तो इसके लिए क्या करते हैं हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करवाते हैं। क्या करते हैं हम? CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं। तो जब भी ये लाइम वाटर से पास होती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमें कौन सा कलर अपियर होता है? तो हमें मिल्की कलर अपियर होता है। क्या अपियर होता है? हमें मिल्की कलर अपियर होता है। फर्दर इसके अंदर अगर हम एक्सेस में CO2 गैस और पास करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ये जो मिल्की कलर है हमारा, वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा मिल्की कलर हमारा। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ये हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी एक एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ होगी, तो सॉल्ट मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी प्लस वाटर मिलेगा। फर्दर इस CO2 गैस को डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? लाइम वाटर से पास करेंगे, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो। तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, और उसके जिसके हमें अपियर होगा मिल्की कलर अपियर होगा। फिर एक्सेस में CO2 गैस और भी अगर पास करेंगे, तो मिल्की कलर हमारा क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ये सब कुछ आपको एज इट इज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए। फिर हमने मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ इनकी रिएक्शन देखी थी। तो बेटा, देखा था हमने कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आपके आपके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं? तो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवा देते हो, किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवाते हो, तो देखो मेटल ऑक्साइड क्या है? नेचर में बेसिक है। इसकी रिएक्शन आपने एसिड के साथ करवाई, तो क्या मिलेगा आपको? आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन सॉरी किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है बेटा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? नेचर में एसिडिक होता है। तो एसिडिक की रिएक्शन, अगर एसिडिक नेचर है इसका, तो क्या हो गया? एक तरह से ये एसिड हो गया। और एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे, तो आप इसका मिलेगा आपको सॉल्ट प्लस वाटर ही ऑप्टेन होगा। तो बेटा, ये हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कवर किया था। और फिर हमने ये भी देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है आपको? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर वाटर के फॉर्मेशन के लिए, वाटर का प्रिपेयर करने के लिए एसिड में से एच प्लस आता है, और बेस में से कौन आता है? ओ एच माइनस आता है। और एच प्लस और ओ एच माइनस मिलकर क्या बनाते हैं? आपके वाटर का प्रिपरेशन करते हैं। तो बेटा, ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कवर किया था, जहां पर हमने एसिड की बहुत सारी केमिकल रिएक्शन स्टडी की थी। तो चलिए आज कुछ न्यू टॉपिक्स कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, लिखिए आप, फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का हमारा? व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन? क्या सीखना है हमें? एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है?
ठीक है, ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस में, ठीक है। तो देखो एसिड्स लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बेसिस को समझते हैं कि इनमें क्या कॉमन होता है। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ऑल एसिड्स हैव एच प्लस आयंस, या फिर डोनेट, ऑल एसिड्स डोनेट एच प्लस आयन। जितने भी एसिड होंगे ना वो सारे एच प्लस आयन को डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? एच प्लस आयन को डोनेट करेंगे। ये जो एच प्लस आयन है इसका, दिस एच प्लस आयन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। क्या बोला बेटा? ये जो एसिड होते हैं ना, सारे सारे एसिड क्या करते हैं? एच प्लस आयंस को डोनेट करते हैं। और जो एच प्लस आयंस का जो डोनेशन कर रहे हैं ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल है इनके एसिडिक बिहेवियर के लिए। कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको पहचानने का क्या तरीका है? अगर वो एच प्लस आयंस डोनेट कर रहा है तो कौन है? एसिड है। इसे देखो HCl, बताओ बेटा ये एच प्लस डोनेट कर रहा है क्या? यस कर रहा है। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है, तो एक एच प्लस आयंस का ये डोनेशन कर रहा है। तो इसके एसिडिक बिहेवियर शो करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो डोनेशन ऑफ एच प्लस आयंस, ये क्या है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बात करते हैं H2SO4, तो देखो H2SO4 कितने एच प्लस है इसके पास? दो दो हाइड्रोजन है ना, तो दो एच प्लस डोनेट करेगा। तो ये भी क्या है? एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो जितने भी एसिड होंगे वो सारे एच प्लस आयंस का डोनेशन करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर बेस की बात करें हम, अगर हम बेस की बात करें तो बेस में क्या बोलेंगे? ऑल बेसिस डोनेट्स ओ एच माइनस आयंस, एंड दिस डोनेशन ऑफ दिस ओ एच माइनस आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोला हमने? जितने भी बेस है वो सारे क्या करते हैं? ओ एच माइनस आयंस को डोनेट करते हैं। इस ओ एच माइनस आयंस को आप बोल सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या बोल सकते हैं इसे? हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं। जितने भी बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन का डोनेशन करते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन का डोनेशन कर रहे हैं यही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है इनके बेसिक बिहेवियर के लिए। तो ये होते हैं कुछ एसिड्स और बेसिस। देखो बेसिस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे NaOH है बेटा, क्या डोनेट करा गया? ये Na प्लस देगा OH, और ये क्या देगा? OH माइनस देगा। NaOH में से एक दे दिया Na प्लस और दूसरे ने क्या दे दिया? OH माइनस। तो ये NaOH ने क्या किया? OH माइनस आयंस प्रोड्यूस किया। मतलब कि ये जो OH माइनस आयंस है प्रोड्यूस जो भी करेगा वो सब्सटेंस कौन होगा? बेस होगा। तो मतलब कि NH कौन है आपका? बेस है। ठीक है, तो ये होता है कॉमन एसिड्स और बेसिस के अंदर। अब कुछ एक और टॉपिक इसके साथ साथ ही कवर कर लेते हैं कि जब एक एसिड और बेस को आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो क्या होगा। चलो देख लेते हैं उसे भी। चलिए सर कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा। व्हाट हैपन व्हेन एसिड्स और बेसिस आर डिजोल्व इन H2O, मतलब कि वाटर। तो ये वाटर में जाकर क्या करते हैं एसिड और बेसिस? तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छी रिएक्शन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जब भी एक एसिड को जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैं वाटर में डिसोसिएट करूंगा, इसको जब मैं वाटर में डिसोल्व करूंगा तो ये वाटर में जाकर क्या करता है? अपने आयंस की फॉर्म में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। अपने आयंस की फॉर्म में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। HCl है तो HCl क्या देगा? एक तो देगा H प्लस और एक क्या देगा? Cl माइनस। क्या देगा? एक तो देगा H प्लस और एक देगा Cl माइनस। तब होगा क्या? ये जो H प्लस प्रोड्यूस हुआ ना, ये होता है ये भी है एक्वस और ये भी क्या है? एक्वस है। ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर जाके सॉल्यूशन के फॉर्म में हो रहे ना, इसलिए। तो
ध्यान से सुनना, ये जो एच प्लस होता है ना, देखो HCl है, वाटर के अंदर डिसोसिएट हुआ, तो इस HCl ने क्या दिया, एक तो दिया एच प्लस और एक दिया Cl माइनस। अब जो ये एच प्लस है ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है ये। अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो ये क्या करेगा बेटा, ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है। किसके साथ, वाटर के साथ ये कंबाइन हो जाता है और क्या देता है, H3O+ देता है। क्या देता है, H3O+ देता है, और जिसे आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हो आप, हाइड्रोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी किसी एसिड को वाटर में डिसोसिएट करोगे, वाटर में डिसोल्व करोगे, तो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होता है, और वो एच प्लस क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होने की वजह से वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या देता है, H3O+ देता है। और ये जो H3O+ है इसे क्या बोलते हो आप, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हो। ठीक है, तो आज के बाद आपको याद रखना है कि जब भी किसी एसिड को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या देगा, वो हाइड्रोनियम आयन देगा, एच प्लस नहीं देगा। क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन। एच प्लस क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, लीस्ट स्टेबल है ना, तो ये क्या होगा, वाटर के साथ कंबाइन तो होना ही है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो ओवरऑल लास्ट में ये वाटर के साथ अगर कंबाइन हो रहा है और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे आज के बाद, कि एसिड को जब भी आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक बेस की बात करें, एक हम बेस की बात करें, बेस ले लेते हैं हम NaOH। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम NaOH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नेम होता है जो आगे हम अभी और पढ़ेंगे, उसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हो आप। तो देखो, जब एक बेस को आप वाटर में डिजोल्व करते हो ना, जब एक बेस को आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये कुछ नहीं देता ऐसा, ये सिंपल सा क्या होता है, अपने आइस की फॉर्म में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। बेस को वाटर में डिजोल्व करोगे तो सिंपल से ये अपने आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। क्या, Na+ और OH माइनस। ये कोई भी हाइड्रोनियम या ऐसा कोई आयन नहीं देता है, बस ये सिंपल से क्या देता है, ये देता है सिंपल से आपको हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, OH- आयन को क्या बोलते हो आप, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हो। ठीक है, तो याद रखना है आज के बाद आपको कि जब भी किसी एसिड को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या देगा, H+ आयन देगा, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो वो वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा आपका, हाइड्रोनियम आयन H2O+ बना देगा। और जब भी किसी बेस को अब जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, वो सिंपल अपना आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ + OH-, और जिससे क्या कहते हो आप, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हो। OH- को क्या कहते हो, हाइड्रोक्साइड आयन के। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आज के बाद आपको याद रहेंगे कि एसिड वाटर में जाएगा तो क्या होगा और बेस वाटर में जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ न्यू टॉपिक कवर करते हैं। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है ये देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर के बारे में आपने सुना है ना, इंडिकेटर के बारे में हमने स्टडी किया है, सारे इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन, टर्मरिक, ठीक है, लिटमस पेपर, कॉलिव ऑयल, सॉरी ऑलिव ऑयल, ठीक है, सॉरी क्लो ऑयल। ठीक है, तो ये सारे हमने, बहुत सारे इंडिकेटर हमने पहले पढ़ लिए। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो ये क्या है बेटा, देखिए इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट गिव्स डिफरेंट कलर ऑन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। देखो क्या होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कुछ सेवरल इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है, और ये क्या करता है, ये OH- आयन जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है, सॉरी OH- नहीं, H+ आयन है, H+ आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। H+ आयन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, किसकी मात्रा कितनी प्रेजेंट है,
एच प्लस आयन्स की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, अमाउंट कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या देता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। तो देखो समझो, जैसे हम बात करते हैं, देखो एक है आपके पास HCl, पता है उसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है ना, तो एक ही एच प्लस देगा, कितना देगा, एक ही एच प्लस देगा, इसका अमाउंट क्या है, फन है। ये देखो ये कौन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बताओ कितना हाइड्रोजन है, दो, तो दो एच प्लस देगा, दो एच प्लस देगा कि नहीं देगा, देगा। तो देखो हुआ क्या, बताओ मुझे दोनों में से सबसे ज्यादा एच प्लस आयन कौन दे रहा है, तो ये दे रहा है, मतलब कि एच प्लस अमाउंट का, एच प्लस का अमाउंट क्या है यहां पर, इसके कंपेरेटिव यहां पर एच प्लस का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यही जो अमाउंट है ना एच प्लस आयंस का, उस अमाउंट उसी को क्या कहते हो, उसकी कंसंट्रेशन कहते हो। तो इसी कंसंट्रेशन के बेसिस पर, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर कलर अलग देगा, जहां पर कंसंट्रेशन कम है वहां पर कलर अलग देगा। अब कैसे पता चलेगा कि कलर क्या देगा कौन सी कंसंट्रेशन पे, तो देखो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पीएच स्केल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, पीएच स्केल पढ़ना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको पीएच के बारे में पता होना चाहिए। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएच क्या है, पीएच, ये जो पी है ना स्टार्टिंग का पी, ये पी बताता है पोटेंस को, किसको बताता है, पोटेंस को बताता है या फिर पावर को बताता है, इसे बोल सकते हो आप पोटेंस और पावर, कुछ भी बोल सकते हो, पोटेंस बोलो या फिर पावर। ये जो एच है ये बताता है हाइड्रोजन को, किसको बताता है, हाइड्रोजन को, मतलब कि ये बोल रहा है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन बोलो या फिर हाइड्रोनियम आयन बोलो, दोनों में से एक, दोनों बोलोगे कोई बात नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब एच प्लस ही बात कर रहा है, और हाइड्रोनियम बोल रहे हो, हमने पता है कि एच प्लस हमारा क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, तो एक बार क्या बनाता है, H3O+ बना लेता है। तो कोई बात नहीं, आप सीधा सा ये बोल दीजिए पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, आप डायरेक्ट ये बोल दीजिए पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच का मतलब क्या हो गया बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन की पावर को डिनोट किससे करते हो आप, उसकी पीएच से करते हो, किससे करते हो, उसकी पीएच से करते हो। तो देखो अब एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल होता है, ये स्केल क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है, एक बड़ी सी स्ट्रिप होती है, इतनी सी बड़ी कुछ स्ट्रिप होती है ये, ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रिप बनाई जाती है पीएच स्केल की। इसमें क्या होता है, जीरो से लेकर, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13 एंड 14। जीरो से लेकर, तो यहां से जीरो से लेकर 14 तक के नंबर गिवन है, जीरो से लेकर 14 तक के नंबर गिवन है। ठीक है, ये जो 0 से 14 तक के नंबर है ना, ये इनकी पीएच वैल्यू है, क्या है, इनकी पीएच वैल्यू है। ये पीएच 0 हो सकती है, पीएच 1 हो सकती है, पीएच 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 14 हो सकती है, सो ऑन हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन कहां से कहां तक होती है, 0 से 14 तक की होती है, ये एक स्ट्रिप है जिसके ऊपर 0 से 14 तक की पीएच वैल्यू होती है। अब होगा क्या, अब स्ट्रिप से कैसे पता चला, तो देखो यहां पर ये जो 7 है ना, 7, ये जो भाई साहब है, ये 7 दोनों क्या आ रहा है, मिड में आ रहा है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब कि 7 अगर पीएच है किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू, किसी भी सॉल्यूशन के पीएच की वैल्यू, मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू अगर 7 है, तो मतलब कि वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, वो ना एसिड है ना वो बेस है, वो कौन हो जाएगा, वो सॉल्ट हो जाएगा। कैसे सॉल्ट हो जाएगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, कैसे सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, अगर हम 7 से इधर आते हैं, अगर हम 7 से इधर आते हैं, 7 से इधर आ रहे हैं, ठीक है, 7 फिर 6 फिर 5, तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है, एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक कैरेक्टर बोल दो, नेचर ही लिख लेते हैं हम सीधा, एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है जब 7 से इधर आते हो, मतलब कि कैसे पता चलेगा, अब देखो इस स्ट्रिप पे का तो कुछ कलर गिवन होते हैं, क्या होता है, कुछ कलर, यहां पर ये जो वाला पोर्शन ना 0 से 4 तक का, ये जो पोर्शन क्या होता है, पूरा रेडिश होता है, कैसा होता है, रेडिश होता है, ये पूरा पोर्शन पे रेड कलर दिखाई देता है आपको, मतलब कि यहां पर ज्यादा डार्क है, यहां पर थोड़ा लाइट है, यहां पर उससे थोड़ा लाइट रेड है,
यहाँ पर उससे थोड़ा लाइट रेड है, मतलब कि यहाँ पर रेडिश कलर दिखाई देता है, मतलब कि जितना ज्यादा डार्क रेड कलर दिख रहा है उतनी ज्यादा उसकी क्या है, पीएच है, ठीक है, उसकी ज्यादा ज्यादा पीएच क्या, उसकी लो है, ठीक है, और जितनी पीएच लो है, बात समझना, जितनी पीएच लो है उतना ही एसिडिक नेचर क्या है, हाई है, मतलब कि एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच है 6 और एक सॉल्यूशन है उसकी पीएच है 4, तो जितनी पीएच लो होगी ना, देखो अभी हमने पढ़ा कि जितना हम इधर जाएंगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो जितना हम इधर जाएंगे, तो देखो 6 के बाद इधर क्या हो रहा है, 4, मतलब इधर बढ़ने पर, इधर जाने पर क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना, मतलब कि उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब कि 6 और 4 दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक नेचर वाला कौन होगा, जिसकी पीएच क्या होगी 4, 4 से भी ज्यादा पीएच ज्यादा एसिडिक बिहेवियर वाला कौन होगा, तो जिसकी पीएच होगी 3, 3 से भी इससे भी ज्यादा पीएच वाला कौन होगा, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन वाला होगा, कौन होगा, तो 2 फिर 1, इस तरह से मतलब क्या होता है एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है। 7 से इधर रन पे एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, और 7 से उधर जाने पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बेसिक नेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। इधर कौन सा कलर होता है, तो इधर सारा ब्लू कलर होता है, कौन सा आता है, ब्लू, और यहाँ पर बीच में रेड और ग्रीन कलर, सॉरी येलो और ग्रीन कलर आता है आपका थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इस एरिया में आपका येलो और इधर ग्रीन कलर होता है, और इधर सारा क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिप के ऊपर क्या होता है, कलरफुल स्ट्रिप होती है पूरी। फिर आप क्या करते हो, आप सॉल्यूशन के कलर को चेक करते हो, सॉल्यूशन में क्या करते हो, सॉल्यूशन में डालते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर को, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लोगे आप, एक सॉल्यूशन ले लिया आपने, ठीक है, सॉल्यूशन का नेचर नहीं पता आपको कि ये एसिड है या बेस है, फिर क्या करोगे इसके अंदर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे और सॉल्यूशन का कलर अगर एकदम डार्क रेड हो गया, तो उसे स्ट्रीप का रेड पर पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन है ना 0 से 4 वाला, इस पोर्शन में चेक करोगे कहां पर उसका कलर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। अगर मान लो कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो कलर है वही कलर का सॉल्यूशन का कलर होगा, तो मतलब कि उसकी पीएच क्या होगी, 1 और 2 के बिटवीन होगी, या फिर 1 भी हो सकती है या फिर 2 भी हो सकती है। तो इस तरह से क्या करते हो आप, पीएच स्केल के थ्रू किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को बता सकते हो, उसके एसिडिक नेचर को बता सकते हो कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये होता है कुछ पीएच, और ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आई होप पीएच के बारे में आपको नॉलेज होगा अब, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रिप है ना आपको अपनी लेबोरेटरी में मिल जाएगी, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो कि कैसे ये कलर शो करता है। तो हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, वो भी आप लैब में ही करते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर बाकी की जानकारी आपको लैब में मिल जाएगी, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पीएच क्या होता है, ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच स्केल क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है, इसके ऊपर 0 से 14 तक के पीएच वैल्यू गिवन है, जहां पर 7 है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, 7 जिसकी भी पीएच है वो न्यूट्रल है, जैसे वाटर, वाटर का एसिडिक होता है क्या, नहीं होता, क्या वो बेसिक होता है, नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब कि इसकी पीएच क्या है, 7, क्या है, 7 है। चलो हमारी ब्लड की पीएच, अगर हम ब्लड की बात करें ना, ब्लड, हमारी ब्लड की पीएच क्या है पता है, 7.4, कितनी है, 7.4, मतलब कि हमारा ब्लड बेसिक बिहेवियर का है, कैसा है, बेसिक है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी एग्जांपल्स है वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा सारे एग्जाम्पल, कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी पीएच क्या है, ठीक है। फिर आपको ये रखना है कि 7 से इधर आते हो तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है, जितना इधर जाओगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और 7 से उधर जाते हो, जितना उधर जाओगे उतना बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। हाईएस्ट हाईएस्ट 14 पीएच किसकी होती है, तो देखो हाईएस्ट 14 पीएच होती है एनएओएच की, किसकी होती है, एनएओएच की, ठीक है। हाईएस्ट बेसिक नेचर वाला अगर कोई है सब्सटेंस तो कौन है, एनएओएच है, जिसे क्या बोलते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है पीएच, तो चलिए इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए सुनो, तो कुछ पीएच वैल्यू के एग्जांपल भी देख लेते हैं हम साथ साथ में। तो देखो बेटा, जो आपका ब्लड होता है ना बेटा, ब्लड की पीएच होती है 7.4, कितनी होती है, 7.4। फिर आपका जो लेमन लेमन के अंदर जो एसिड होता है सिट्रिक एसिड, क्या होता है, सिट्रिक एसिड, उसकी पीएच होती है 2.2, कितनी होती है, 2.2। फिर हम वाटर की बात करें तो वाटर की पीएच कितनी होती है, 7.0 होती है, ठीक है, वाटर की पीएच कितनी होती है, 7.0 होती है। फिर एक और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच होती है 10, कितनी होती है, 10। इसका यूज आता है एसिडिटी को
सही करने के लिए, ठीक है। एसिडिटी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें जो डॉक्टर टेबलेट देते हैं उनके अंदर मिल्क ऑफ क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है। और सबसे हाईएस्ट पीएच किसकी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14। फिर आपको याद रखना है कि जो 7 से ऊपर वाले हैं वो सारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, और जो 7 से नीचे है वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो हमारा ब्लड क्या है, बेसिक नेचर का है। ब्लड क्या है, बेसिक नेचर का। और वाटर क्या है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। समझ में आती बात इतनी सी। अब एक और बात, एक और स्केल है जिससे भी आप बता सकते हो एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर को। देखो ये स्केल अच्छा है, समझ लायक भी है। देखो ये स्केल है ना, ये कोई कलर वलर शो नहीं करता, ये बस सिंपल सा ये बताता है। यहां पर देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस ब्लू लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन बताता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को। किसको बताता है, H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन को। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये बताता है OH माइनस आयन्स की कंसंट्रेशन को। किसको बताता है, OH माइनस आयन्स की कंसंट्रेशन को। तो स्ट्रिप को थोड़ा अच्छा बना लेते अपन। ये है 0, ये है 14। देखो अब ध्यान से समझना, मैंने बोला था कि 7 से, 7 से इधर क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। मैंने बोला था ना 7 से इधर जाने पर, 7 से इधर आने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, और 7 से उधर जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है समझो। अब देखो इस स्केल के थ्रू पता चलता है, देखो जब 7 से इधर आ रहे हो, 7 से इधर आ रहे हो, तो यहां पर होगा 6, यहां पर होगा 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो 7 से इधर आ रहे हो, देखो H प्लस का पोर्शन कौन सा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला जितना भी है ना सारा वो H प्लस का पोर्शन है, और नीचे वाला जो सारा है वो किसका है, OH माइनस का पोर्शन, ठीक है। तो अब H प्लस की बात करते हैं पहले। 7 से इधर आओ, देखो 6 पे बात करते हैं, 6 पे, 6 वाला रीजन देखो, 6 वाला इतना सा रीजन है H प्लस का, ऊपर वाला ही H प्लस है, नीचे वाला तो कौन है, OH माइनस। तो 6 वाले में H प्लस का अमाउंट कुछ इतना सा है, ठीक है, कुछ इतना सा अमाउंट H प्लस का। 5 वाले में देखो H प्लस का अमाउंट बढ़ गया, 4 वाले में देखो H प्लस का अमाउंट बढ़ गया, और 3 वाले में देखो और ज्यादा H प्लस का अमाउंट बढ़ गया। 0 वाले में जाओ, इतना सारा H प्लस, सारा H प्लस ही हो गया। तो देखो दिख रहा हमें कि जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, 7 6 5 4 3 2 1 0, एच प्लस का अमाउंट देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना एच प्लस का अमाउंट। अगर एच प्लस का अमाउंट बढ़ रहा है, अगर एच प्लस का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर कौन ज्यादा है, एच प्लस। अगर सॉल्यूशन में एच प्लस ज्यादा है, मतलब कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, नेचर में एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और इधर जाओ, 7 से इधर जाते हैं, ठीक है। तो देखो 7 से इधर जाने पर क्या हो रहा है, यहां पर होगा आपके पास 8 9 10 11 12 13, इधर जाने पर यही होगा। अब इधर जाओ, देखो 7 से OH का अमाउंट, देखो OH H प्लस का अमाउंट, देखो ये ऊपर वाली लाइन H प्लस है ना, H प्लस कम होता जा रहा है, और क्या बढ़ता जा रहा है, OH माइनस बढ़ता जा रहा है। देखो OH OH बढ़ता गया, ठीक है। नीचे वाला सारा क्या है, OH माइनस। तो OH माइनस का अमाउंट नीचे जाने पर क्या हो रहा है, इधर इधर जाने पर OH माइनस का, देखो इधर जाएगा 14 पे बहुत ज्यादा OH माइनस है, 13 पे उससे कम है, 12 पे उससे भी कम है। तो क्या हो रहा है, इधर जाने पर OH माइनस का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब कि सॉल्यूशन में कौन ज्यादा है, OH माइनस। अगर सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा है, मतलब कि सॉल्यूशन क्या आपका नेचर में बेसिक है। इसलिए मैंने बोला था कि जब 7 से इधर आते हो तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और 7 से उधर जाते हो तो ये बेसिक नेचर इनका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये होता है पीएच, ठीक है। तो आई होप अब आपको पीएच के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करने के लिए। कौन ज्यादा एसिड है, एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, वो भी हम बता सकते हैं। अगर किसी की पीएच है 6 और किसी की पीएच है 5, मतलब कि 5 वाला ज्यादा क्या है, एसिडिक है, ठीक है, और 6 वाला लेस एसिडिक है। मतलब कि हम ये भी बता सकते हैं कि ज्यादा एसिडिक कौन है और लेस एसिडिक कौन है, ठीक
ठीक है, और ज्यादा बेसिक कौन और लेस बेसिक कौन हम ये भी बता सकते हैं अब, ठीक है। तो आई होप अब ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम ये सीखेंगे इस पीएच का डेली लाइफ में क्या यूज है, डेली लाइफ में हम क्या यूज कर रहे हैं इस पीएच का, अब हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।